सतना में 10 थाना क्षेत्रों में व्यापारियों की दुकान में चोरी करने वाले शातिर गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन शातिर बदमाशों के पास से बड़ी मात्रा में सामान और नकदी जब्त की गई है। दुकानों में लगातार चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं, जिससे व्यापारी परेशान हो चुके हैं। व्यापारियों ने चोरों को पकड़ने की गुहार पुलिस अधीक्षक से लगाई तो पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने एक टीम बनाई और इस विशेष टीम को चोरों को धर दबोचने के लिए एक प्लान बनाया गया, जिसके तहत एक मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने सभी चोरों को धर दबोचा। अब पुलिस की पूछताछ के बाद चोरों द्वारा और भी कई बड़ी संगीन चोरियों के बारे में जानकारी निकाली गई। इसके बाद ही बड़ी मात्रा में चोरी किया गया सामान भी और नकदी भी चोरों से बरामद कर ली गई। चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और अब जेल भेज दिया गया। वहीं इसमें एक नाबालिग भी बताया जा रहा है। क्रिमिनल गैंग पकड़े गए हैं। बेसिकली ये लंबे समय से सतना जिले की जो कपड़ा व्यवसायी है उनकी दुकानों में चोरी करते थे। इसके अलावा कई गल्ला व्यवसायी जो है उनके स्थानों में चोरी करते हैं। रिसेंटली 2 घटनाएं कोतवाली थाना क्षेत्र में हुई थी, तो डेडिकेट टीम लगाई गई थी, इसमें वाली साइबर टीम लगातार काम कर रही थी। तो इस गैंग के 7 लोगों को अरेस्ट किया है। 7 लोगों को हमने करीब 20 अपराधों में गिरफ्तार किया है। 20 अपराध सतना जिले के 10 थाना क्षेत्रों में संबंधित है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।